तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में चौथे चरण के बाद अब पांचवें चरण में होने वाले मतदान को लेकर चुनाव प्रचार जारी है और प्रतापगढ़ की पट्टी विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी राम सिंह पटेल भी चुनाव प्रचार में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, जिनका सीधा सीधा सामना बीजेपी प्रत्याशी मोती सिंह से है। चुनावी वादों और दावों को लेकर हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की है, क्या कुछ कहा है उन्होंने आपको सुनाते हैं। प्रतापगढ़ के चुनावी समर में जहां पट्टी विधानसभा हॉट सीट बनी हुई है, वहीं कुंडा से लेकर पट्टी तक समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हावी हैं। समाजवादी पार्टी क्या गुल खिलाएगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हमारे साथ पट्टी विधानसभा से कड़ी टक्कर देने वाले भाजपा के प्रत्याशी को हमारे साथ राम सिंह पटेल हैं। देखिए, पट्टी में जहाँ अन्याय अत्याचार के 5 साल बीते हैं और अभी भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के अराजक तत्व लोगों के ऊपर फर्जी दबाव बना रहे हैं, उनको धमकियाँ दे रहे हैं, जिसकी शिकायत लगातार की जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ एक खुशी की बात यह है कि आज पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है और आज जन जन का समर्थन पार्टी को मिल रहा है। जहां प्रधान डरे डरे घूम रहे हैं, प्रधानों के ऊपर अभी भी दबाव बनाया जा रहा है मंत्री जी द्वारा, ये बिल्कुल अनैतिक कृत्य है। आप इस समय मंत्री नहीं हैं, आप एज ए प्रत्याशी हैं, लेकिन अभी भी उनके प्रतिनिधि उनके लेटर पैडों का दुरुपयोग किया जा रहा है। पूरे पट्टी में इन 5 वर्षों में एक भी पिछड़ा समाज या दलित समाज का गांव ऐसा नहीं जहां पे विकास किया गया हो, वो अछूते रह गए हैं। उनको हम लोग प्राथमिकता के आधार पे वहां पे इस बार विकास कार्य करवाएंगे। वो अपने को विकास पुरुष कहते हैं, विकास पुरुष बतलाते हैं, किस ऐसा आप फील्ड में भी जाते होंगे, आप भी विधायक रहे हैं, उसके पहले भी विकास के कार्य हुए होंगे, तो विकास पुरुष बताते हैं विकास नहीं हुए ऐसा आप कहते हैं? वो पट्टी के विकास पुरुष नहीं है, पट्टी के विनाश पुरुष हैं। पट्टी का जिस तरीके से उन्होंने तबाह किया है उसकी वानगी आप जाइएगा गाँव का गाँव, नौजवानों का भविष्य बर्बाद किया हुआ है। तो पट्टी के विकास पुरुष नहीं, विनाश पुरुष है पट्टी के। क्या क्या लगता है आपको चुनाव में कितना? चुनाव में इस बार समाजवादी पार्टी एक तरफा जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी अपनी जमानत बचाने की कोशिश करे। शिव मोहन शुक्ला, प्रतापगढ़, समाचार प्लस।